उस दौरान बहुत कुछ होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उन्हें साइन करना पड़ता है, वहां पे काफी सारे क्लॉज होते हैं एंड वो सारे क्लॉज के बारे में हमें ये तो आपको बोल नहीं सकते क्या क्या होते हैं, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है वो उनके लॉयर्स पे वो क्या करने की कोशिश करें। अब ये आप सोच रहे हो कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट टाइम में काफी सारे ऐसे वीडियोज निकल के आ रहे हैं जहां पे ये बोला जा रहा है कि छोड़ दिया, ठीक है, टीम से निकाल दिया, लड़ाई हो गई। मैं एक ही बात समझ नहीं पाता यार, ऑडियंस को क्यों गुमराह कर रहे हो? यू नो, हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये कम्युनिटी को थोड़ा सा एडुकेट करने की, जिन लोगों को ये सब चीजों के बारे में नहीं पता है उन लोगों को ये सब बारे में नॉलेजेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं एंड कुछ है जो वीडियोज ऐसे बना रहे हैं जो ऑडियंस को थोड़ा मिसलीड कर रहा है एंड आप लोगों को भी पता है कि ये बहुत इसमें सच्चाई बहुत कम है, ठीक है, जो ये सब हो रहा है, ठीक है, ये लड़ाई हो गई। अब देखो दोस्तों के बीच में लड़ाई नहीं होती क्या? दोस्तों के बीच में भी लड़ाई होती है ना, उसके बाद वो सब वापस से दोस्त और भाई बन जाते हैं ना, हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा ना दोस्तों के साथ लड़ाई, ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं कि मिर्च मसाला डाल के ये हो गया वो हो गया, यू नो, बस यू नो एक्स्ट्रा कुछ व्यूज के लिए ये सब थोड़ा करना बंद करो। आई थिंक ऑडियंस को सही डायरेक्शन में मूव ऑन कराओ ताकि वो भी सही चीज को समझ सके। अब आती है बात ओरैंगोटैंग लीड की, जो भी मैंने पिछले सेगमेंट में कहा वो सब सिर्फ ओरैंगोटैंग लीड को लेकर के नहीं है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है एंड कोई भी मुझे यहाँ पे गलत नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत सही पॉइंट है एंड मैं भी खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, वहां पे भी एक सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया जाता है एंड आई थिंक कि जो उधर हुआ है, अगर जॉन्टी भाई ने कल स्ट्रीम पे आके कुछ चीजें बोली है तो उनको भी पता है कि वो सब कुछ रिवील नहीं कर सकते, इसीलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रीम पे हिचकिचा रहे थे, वो आप लोगों को भी पता है एंड वो बोल नहीं सकते, उनको भी पता है कि वो बाउंड टू होते हैं, कुछ चीजें टीम के अंदर रहना होता है, कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना होता है, उनको भी वो स्पेस दो, क्यों बेकार में उनको जाके इतना डीएम करो, इतना हेट दे रहे हो? वो टीम, उन्होंने कल खुद ही एक्सेप्ट किया ना कि उनकी टीम का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, तो वो सॉर्ट करेंगे वो चीज को, गिव देम सम स्पेस। उन्होंने जैसा बोला है कि एक प्लेयर जरूर से आएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली सोचोगे ना कि सिर्फ चार प्लेयर्स है वहां पे और जॉन्टी भाई अभी ईस्पोर्ट्स खेल भी नहीं रहे, वो उनकी टीम के कोच बन चुके हैं, मेंटर बन चुके हैं, एनालिस्ट बन चुके हैं, तो गॉडफादर कह सकते हो ओरैंगोटैंग लीड के जॉन्टी भाई को, बट उनके टीम में एक फिफ्थ प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए ताकि अगर कोई भी प्लेयर गलती से भी कुछ भी हो जाए, अगर मान लो खेलर अगर एग्जाम्स के लिए अपना करियर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता भी है, अगर फिफ्थ प्लेयर नहीं होगा तो किसको रिप्लेस करें, बात वो है एंड वेट करो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था ओरैंगोटैंग लीड से, ऐसे मन बनाए मतलब कहानियां मत रचो, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना जॉन्टी भाई को अच्छा लगेगा, ना ओरैंगोटैंग लीड को अच्छा लगेगा, सो प्लीज थोड़ा चिल मारो एंड काफी सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जो मैंने पहले वीडियोज में कहा है ना, फोकस अपना कहीं और लगाओ, जहां पे आप लोगों को लगाना चाहिए, जहां से आप लोग खुद ऐसा प्लेयर ग्रो कर सकते हो, ऐसा क्रिएटर ग्रो कर सकते हो, दैट शुड बी इट एंड आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को जरूर से हेल्प किया होगा, अगर हेल्प किया है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों में से किन लोगों को ये सब चीजों के बारे में पता था, ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ये कुछ जो प्लेयर्स होते हैं जो बाउंड टू होते हैं सब चीजें नहीं रिवील कर सकते अपनी जनता को, हाँ वो प्लेयर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं आपसे बट उन लोगों को कुछ चीजें रखना पड़ता है अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो उन लोगों को समझो, उन लोगों के ऊपर टूट मत पड़ो, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वो भी इंसान ही है, वो भी कोई सुपर हीरो नहीं है, ठीक है, सो गिव देम सम स्पेस, वो आपको जरूर से परफॉर्मेंस भी देंगे, बैक करो बस अपनी टीम को, सपोर्ट करते रहो एंड सपोर्ट मुझे भी करो, लाइक करके वीडियो को, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, तब तक के लिए वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ।